नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सतहिंदी.com पर आपका स्वागत है। कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए कि आज इस कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं आपके सामने। एक तो अभी कल एक समारोह में बोलते हुए हमारे हाल में रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नरीमन ने कुछ बातें कही हैं जो किसी भी उस व्यक्ति को गंभीर विमर्श के लिए बुलाती है जो भारतीय लोकतंत्र, भारतीय जो नागरिक संहिता है, हमारा संविधान, इस सब में उसकी रुचि है। वो इस सब को समझता बूझता है, समझना बूझना चाहता है, इसका विद्यार्थी है, और जो भारत में चाहता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो हमारे यहाँ 75 साल 77 साल पहले शुरू हुई थी वो बेहतर हो और सचमुच में उसमें लोगों की भागीदारी हो, उसके लिए जो आजकल के कुछ फैसले हैं, वैसे तो ये काफ़ी समय से अब होने लगे हैं, वो सब बहुत ही डरावने हैं, खतरनाक है। और जब ये बात उस स्तर से आती है जिस स्तर से आई है तब उसकी गंभीरता और भी बढ़ जाती है। दुर्भाग्यजनक ये है कि इंडियन एक्सप्रेस के अलावा किसी ने इस बात को रिपोर्ट नहीं किया। ये भी एक उस खतरे की ओर हमें यार आपको ले जाती है कि जब हमारे लोकतंत्र पर खतरे की कोई गंभीर बात किसी जिम्मेदार प्रतिष्ठान से, व्यक्ति से या मीडिया से आती है तो हमारा जो राष्ट्रीय विमर्श का माध्यम है, राष्ट्रीय मीडिया जो है, वो उसकी अनदेखी करता है, उसको दाखिल दफ्तर कर देता है, दरी के नीचे डाल देता है। ऐसा ही इसके साथ हुआ। जस्टिस नरीमन ने क्या कहा, और आप उनमें से बहुत सारी चीजों पे बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स देख चुके होंगे, इस पे बातचीत के लिए हमने निमंत्रित किया है रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर और हमारे कार्यक्रमों में पहले बहुत बार आते रहे राजू शर्मा जी को। अभी हाल में उनका एक नया उपन्यास आया है तो हमारी उनकी बातचीत तो उसके संदर्भ में हो रही थी, लेकिन ये बात ऐसी थी कि जो आपके साथ मिलके करनी चाहिए, जो आप तक पहुंचनी चाहिए और जिसमें आपका शामिल होना भी जरूरी है, इसलिए राजू शर्मा जी हमारे अतिथि के तौर पर उपलब्ध हैं। राजू शर्मा जी, आपका स्वागत। रोहिंगटन साहब का बयान आपने शायद देखा होगा जी, और आपके पेपर में ही पढ़ा था। हाँ जी, उन्होंने चार बातों पर देश का ध्यान आकर्षित करने का और खासकर सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है, और देश में जो भी लोकतांत्रिक सोच समझ है उसका ध्यान भी आकर्षित करने की कोशिश की है। उनका कहना है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी बख्शा नहीं है, उनका कहना है कि जो ये नया कानून आ रहा है जिसके जरिए हमारे इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होंगे, ये कानून सुप्रीम कोर्ट में जरूर स्टक डाउन होना चाहिए। उन्होंने शुड यूज किया है इसमें, और उनको लगता है कोई न कोई इसको लेके कोर्ट में जाएगा, और संसद में बहस के दौरान कई सांसदों ने ये कहा भी है कि वे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक मंत्री से रिप्लेस कर दिया गया है, जो प्रस्तावित इसमें तरीका है कि अब हमारे यहाँ के इलेक्शन कमिश्नर को चुनाव करने के लिए जो बॉडी है उसमें जो प्रपोज्ड बॉडी सुप्रीम कोर्ट की थी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी एक व्यक्ति थे 3 लोगों में से, उनकी जगह एक मंत्री जिसका चुनाव भी खुद प्रधानमंत्री करेंगे उनके जरिए उसको रिप्लेस किया गया है, और तीसरे उसमें लीडर अपोजिशन होंगे जिनका कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि बहुमत से वो हमेशा हर चीज फैसला कर लिया जाएगा, और उनको या तो वो उसका बायकॉट करके उस कानून को बनवाएंगे, उस फैसले को लागू करवाएंगे, या फिर सहमति देके कराएंगे, मतलब उनकी कोई भूमिका नहीं रह जाएगी। तो एक तो उन्होंने इस पर बड़ी गंभीर बात की है कि इसका तो मतलब है, उन्होंने वर्ड किया है शायद चिमेरा वर्ड यूज किया है, जिसका आप बेहतर बताएंगे, कुछ मृग मरीचिका जैसा, जिसका अर्थ मैं समझ रहा हूँ कि हिंदी में होना चाहिए, तो ये एक मृग मरीचिका होगी चुनाव और ये तरीका। एक तो उन्होंने ये मुद्दा लिया, दूसरा उन्होंने लिया कि हमारे यहाँ जो मीडिया है, उन्होंने एक घटना ली बीबीसी से संबंधित कि बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उस डॉक्यूमेंट्री को भारत में प्रसारण से रोक दिया गया,
और बीबीसी के दफ्तरों पर हमारे यहाँ इनकम टैक्स के छापे पड़े। उनका कहना था कि कोर्ट्स को, इन जनरल उन्होंने कोर्ट्स का नाम लिया है, कोर्ट्स को मीडिया के मामलों में त्वरित हस्तक्षेप करना चाहिए, और ऐसा कोई भी मामला अगर उनके सामने आता है जिसमें उनको साफ नजर आ रहा हो कि ये एक दमनात्मक कार्रवाई है, उनको उन्हें तुरंत ही उस पर रोक लगानी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। एक उन्होंने ये मुद्दा लिया है, उन्होंने चार मेजर मुद्दे लिए जो उनके हिसाब से इस समय देश के लोकतंत्र के लिए और देश के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए बेहद खतरनाक है। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया अंग्रेजी में, डिस्टर्बिंग है सब। और तीसरा उनका ये था कि जो बहुत आजकल चर्चित है, जो 370 पर जजमेंट आया है, इसके बारे में वो बहुत निराश हुए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से। उनका कहना है कि सॉलिसिटर जनरल के वायदे के आधार पर आपने इस देश के कानून में जो निहित था उसकी अनदेखी कर दी, और वो ये कि आप, उन्होंने वादा कर दिया कि हम चुनाव कराएंगे और इसको फिर स्टेटहुड देंगे, और आपने मान लिया, आपने अपनी भूमिका ही छोड़ दी और इसको मौका दे दिया कि अब इस तरह से किसी भी राज्य सरकार के हिस्से में या पूरी राज्य सरकार को कभी भी केंद्र जो है इस तरह से यूटी में बदल दे जब चाहे तब, और उसमें जो लोकतांत्रिक भूमिका है विभिन्न संस्थाओं की, विभिन्न राज्य या केंद्र के स्तर, राज्य के स्तर पर जो चुनी हुई सरकारों वगैरह की, वो सारी भूमिका नगण्य हो गई, इसको उन्होंने बड़ी गंभीरता से लिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट पर उनका उनकी टिप्पणी थी, और ये बड़ी टिप्पणी है। इसको फिर जस्टिस लोकुर ने भी एक इंटरव्यू में ठीक उसी तरह से कहा जैसे उन्होंने कहा। और एक और बात उन्होंने इसके साथ उठाई कि गवर्नर्स का जो हमारे देश में इधर रोल हुआ है, खासकर उन्होंने केरला के गवर्नर का मामला लिया कि जिसके पास 23 महीने से, एक सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है जिसमें कुल 60 महीने होते हैं, 60 महीने में 23 महीने आप उसके द्वारा पास किए हुए बिल लेके बैठे रहे, और जब वो सुप्रीम कोर्ट आए तो आपने उसमें से 7 बिल इकट्ठे राष्ट्रपति के यहां भेज दिए। अब राष्ट्रपति अगर उनको नो कह देता है तो आप सोचिए उस लेजिस्लेटर का क्या मतलब रह जाएगा, राज्य सरकार का, चुनी हुई सरकार का क्या मतलब है। ये उन्होंने बहुत गंभीर मुद्दा समझा लोकतंत्र के लिए कि गवर्नर्स का जो रोल इस तरह का हो गया है कि वो मनमानी कर रहे हैं, किसी बिल को लेके इतने समय तक कैसे बैठ सकते हैं। ये जो बात आई उनकी तरफ से, ये भी एक गंभीर बात थी। तो ये चार बातें उन्होंने कही हैं जिस पे मैं आपसे बातचीत करूंगा, और उससे रिलेटेड कुछ और बातें भी आजकल लोकतांत्रिक विमर्श की हैं। तो सबसे पहले पहले से शुरू करते हैं, ये जो राज्यसभा में इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का बिल पास हुआ है, आप इस सब को कैसे देख? जाहिर है कि नरिमन साहब ने, जो कि काफी जाने माने जूरिस्ट हैं, बहुत से ऐतिहासिक फैसले उन्होंने किए हैं, बड़ी व्यथा से और बड़े चिंतित मन से ये सब चार पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं। केवल चार तक सीमित नहीं है, पॉइंट्स तो इस तरह के बहुत हैं। पहली चीज जो मैं इससे जुड़ी हुई है वो कहना चाहूँगा कि ये जो बहस बार बार चलती है कि भाई जुडिशरी, पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, वो कुछ इस तरह का आभास सा रहता है या इस तरह की बनावट रहती है सत्ता की तरफ से कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है, जुडिशरी सुप्रीम नहीं है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। तो इस पहले हम इसको जरा सा, दो तीन चीजें मैं इसके बारे में कहूं कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन से आई या कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट से आया। अगर आप ये मानते हैं कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन की एक संस्था है, तो कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के ऊपर हुआ। दूसरी चीज ये होती है कि अगर आप ये कहते हैं कि पार्लियामेंट चाहे जैसे भी या जो भी बदलाव कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकती है, जिसका अर्थ ये हुआ कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रीन है, मूल ढांचे की जो डॉक्ट्रीन है, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब भी एक बार कह चुके हैं कि ये बड़ी अनुचित सी डॉक्ट्रीन है, उसमें
इसका जवाब बड़ा आसान है और बड़े सिंपल तरीके से आप अपने आप से ये पूछेंगे कि पार्लियामेंट पार्लियामेंट व्यवस्था को भंग कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल के क्या पार्लियामेंट ऐसा कानून पास कर सकती है कि आज के बाद से पार्लियामेंट की व्यवस्था इस देश में नहीं रहेगी। अगर इसका उत्तर है हाँ तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, और अगर इसका उत्तर है नहीं, जो कि लॉजिकल तार्किक रूप से नहीं होगा क्योंकि पार्लियामेंट पार्लियामेंट्री व्यवस्था को कैसे बदल सकती है, वो तमाम चीजें बदल सकती है, तो पहली चीज तो कॉन्स्टिट्यूशन की सर्वोपरिता, उसके मूल ढांचे की सर्वोपरिता को हमको मान लेना चाहिए, उसके अंतर्गत ही बहस करनी चाहिए। अब मैं आता हूं पहले बिंदु पे जो आपने इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा। मैं तो ये कहूंगा कि बेहतर यही रहता कि जैसा जैसी व्यवस्था चल रही थी कि सरकार इलेक्शन कमिश्नर्स 3 अपॉइंट करती है और वो अपना काम करते हैं और हम देखते हैं कि वो सरकार के नियंत्रण में करीब करीबन रहते हैं, सरकारी लोग ही होते हैं और उनका व्यवहार और उनका बिहेवियर अब पिछले कम से कम 10 सालों में 10-12 सालों में तो यही रहा है कि वो परोक्ष रूप से और अपरोक्ष रूप से सरकार के फेवर में या उसके निर्देशों के अनुसार या उसकी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। लेकिन अगर इसी व्यवस्था को अमली जामा कानून का पहना दिया जाए, एक एक्ट का, और खुदा ना खास्ता उसको सुप्रीम कोर्ट का, जिसे आजकल शब्द बड़ा फेवरेट शब्द है, क्लीन चिट, या उसका उसकी सपोर्ट, जैसे 370 में कई चीजों को सपोर्ट मिली, अयोध्या का जजमेंट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से किसी चीज को कानूनी शह मिल जाती है, अंतिम कानूनी शह मिल जाती है, तो और स्थिति वही रही तो ये फिर बहुत ही त्रासद हो जाता है। और नरिमन साहब ने जो बात कही बिल्कुल सही है कि जो व्यवस्था बनाई गई है वो वही व्यवस्था है जो सालों साल से चली आ रही है, उसमें एक जो बदलाव सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उसके मेंबर होंगे वो हटा दिया गया, सरकार की डोमिनेटेड कमिटी है, 2:1 का रेशो हमेशा रहेगा, तो जो सरकार जिस व्यक्ति को चाहेगी उसी को चुनेगी, उसके जो पैनल बनाने की व्यवस्था है वो भी ये सुनिश्चित करती है कि केवल सरकार से रिटायर्ड लोग जो सेक्रेटरी रहे हैं वही उसके लिए पात्र हैं, तो जो व्यवस्था पहले थी वही व्यवस्था चल रही है, उसका उसकी शक्ल अब एक एक्ट की हो गई है, और अगर कोई व्यक्ति इसको चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो ऐसा कानून बना सकती है, तो फिर उसको एक मोहर भी मिल गई। लेकिन आप मान के चलिए कि इस व्यवस्था से कोई इंडिपेंडेंस जो हम अपेक्षा कर रहे थे कि सुप्रीम इलेक्शन कमीशन की ज्यादा होगी वो नहीं होगी, ये स्पष्ट हो गया है कि जैसे CBI की अपॉइंटमेंट होती है, बाकी एजेंसियों की अपॉइंटमेंट होती है, एग्जैक्टली उसी तरीके से CBI वगैरह के अपॉइंटमेंट में अभी भी शायद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उसमें। हाँ अभी है, वो 3 संस्थाओं में तो ये तो और भी खराब हो गई, ये व्यवस्था तो बिल्कुल 2:1 का रेशो तो एस्टेब्लिश हो गया, तो बिल्कुल मतलब सही बात कही है, ये तो वैसी भी नहीं है। दूसरी बात है उसका 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 आप उसका आप परिणाम देख रहे हैं कि अभी कल परसों में खबर आई है कि इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो टेक्स्ट बुक्स में भी बदलाव करना चाहते हैं ताकि लोगों का न जाने उनके दिमाग में कैसे आया कि चुनाव प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए या वोटिंग प्रोसेस को अच्छा बनाने के लिए उनको अब ये वो डिसाइड करेंगे कि हमारे टेक्स्ट बुक्स जो सोशल साइंस की होती है उसमें क्या पढ़ाया जाए, उसमें कुछ इस तरह की बात है कि विरोध और प्रोटेस्ट या इस तरह की चीजों पे ज्यादा तवज्जो ना दी जाए। पिछले चुनाव का अनुभव ये है कि उन जब सरकार प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि 5 साल के लिए ये जो राशन दिया जाता है 80 करोड़ लोगों को, इसकी मियाद और बढ़ाई जा रही है, चुनाव के दौरान उन्होंने घोषणा की, इस पर चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उसी दौरान प्रधानमंत्री जी ने आदिवासियों के लिए एक स्कीम झारखंड में जाके अनाउंस की,
मतलब आप एक इस तरह से इम्बैलेंस पैदा कर रहे हैं। आप जानते ही हैं कि जो बॉन्ड वाली स्कीम आई है उसका 90% तक सरकारी पार्टी के ही पास जा रहा है लगातार, जिस पर चुनाव आयोग की एक डिफरेंट राय है लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में मसला डिसाइड नहीं हुआ है, तो वो भी अभी तक प्रैक्टिस में सरकार के ही फेवर में जा रहा है। हर चुनाव से पहले वो इस तरह के बॉन्ड के जरिए 90% तक पैसा अपने पास ले लेते हैं, 10% में बाकी लोगों को छिड़क के लोकतंत्र के नाम पर एक नाटक चलता है। अच्छा, दूसरी बात जो उन्होंने कही प्रेस के बारे में कि मीडिया के मामलों में कोर्ट्स को आगे बढ़ के हस्तक्षेप करना चाहिए अगर उनको समझ में आ रहा है, जैसा कि बीबीसी के मामले में था कि टैक्स अथॉरिटी तभी गई जब उनकी एक डॉक्यूमेंट्री आई और जब उनको प्राइमा फेसी ये लगा तो उनको इस मामले पे फैसला लेना चाहिए। अगर एक लोकतांत्रिक समाज में स्वतंत्र प्रेस नहीं रहेगा और प्रेस को इस तरह से आलोचना करने पर निशाना बनाया जाएगा अथॉरिटीज के जरिए, तो ये तो गलत है और कोर्ट्स को इस मामले में तुरंत रेमेडी देनी चाहिए, ये जो उन्होंने कहा। अब ये तो इच्छा की बात है कि उनकी इच्छा ऐसी है कि ऐसा होना चाहिए, ये बात जरूर है कि कई कोर्ट सभी देश में, चूंकि हाई कोर्ट के पास भी रिट पिटीशन सुनने की पावर होती है, तो कुछ राज्यों में डिपेंडिंग ऑन कि वहां पे कौन से जज मुख्य न्यायाधीश हैं वगैरह, तो वहां से कुछ अच्छे फैसले आ जाते हैं, बट कुल मिला के अंत में सारे फैसले समेकित होकर सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। और हमने देखा है कि हाई कोर्ट ने जब भी इस तरह के फैसले किए जिसने आज़ादी को, चाहे मीडिया की चाहे व्यक्ति की, को सुदृढ़ किया या बेहतर किया, कानून की इस तरह से व्याख्या की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में हाई कोर्ट के निर्णयों को बदला या सारे मामलों को अपने यहाँ लेकर और फैसला सुनाया। तो अंतिम अदालत तो सुप्रीम कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट से अभी तक जो एक्सपीरियंस पिछले 5-10 सालों में है वो बहुत अच्छा नहीं है, वो ये कॉन्फिडेंस तो पैदा नहीं करता कि शासन के खिलाफ और नागरिक अधिकार और चौथे स्तंभ के अधिकार के फेवर में कोई इस तरह के मेजर जजमेंट्स आएंगे। अभी हाल में आप ब्रॉडकास्ट बिल एक नया चल रहा है जो कि एक एक्ट बनते ज्यादा देर नहीं लगेगी। अब आप समझ लीजिए कि लगभग हर चीज OTT प्लेटफॉर्म से लेके डिजिटल मीडिया से लेके प्रिंट तो पहले ही था, सब एक जगह आ गए हैं, सब में लगभग एक ही व्यवस्था है। व्यवस्था ये है कि आप ग्रीवांस की एक सेल कंपनी है वो बनाएगी और उसके बाद अंततः जो कमिटी निर्देश या आदेश किसी भी मुद्दे पर दे सकती है वो एक सरकारी कमिटी है, उसमें सरकारी सेक्रेटरीज मेंबर हैं। तो उस लिहाज से तो ये सारे बिल एक दिशा में जा रहे हैं और ये एक सर्वोच्चता सरकार की बिल्कुल एस्टेब्लिश कर देते हैं और हम इसके नतीजे देख रहे हैं। आप देखिए कि ट्विटर ने अपने रवैये किस तरह से बदले हैं, बल्कि उनके जो उनके बॉस हैं मस्त साहब, वो तो बोल देते हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि भाई मैं अपने लोगों को कोई जेल तो नहीं जाने दूंगा, मैं उनके जो भी उनके नियम है उनका पालन करूंगा। नेटफ्लिक्स ने भी और बाकी OTT प्लेटफॉर्म्स ने भी जो भी निर्देश आते हैं उनका पालन कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये जो संकुचन की एक व्यवस्था चल रही है जो कि छद्म सेंसरशिप आप जिसे कह सकते हैं, वो गहरी होती जा रही है और ये निरंतरता की एक प्रोसेस है। बहुत कम इस तरह की 3-4 एजेंसियां बची हैं जो कि इस तरह के जो इस तरह की चीजें कुछ लिख रहे हैं जो कि क्रिटिकल जिनको आप कह सकते हैं, बाकी मुख्य मीडिया में तो उनका कोई नामोनिशान है ही नहीं। 370 पर जो सरकार जो कहा है कोर्ट के फैसले के बारे में, सरकार क्यों कोर्ट के ही फैसले के बारे में जो जस्टिस नरीमन ने कहा है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए 370 के मामले में चूंकि एक इंटरनेशनल इश्यूज भी इन्वॉल्व हैं, ये बातें जो कही जाती हैं कि भाई इसमें
राष्ट्र का एक मत है, मान लिया राष्ट्र का मत है कि भाई ये इस व्यवस्था के जो हिस्टोरिक अवयव हैं उनसे निजात पाना या उनसे आगे बढ़ना जरूरी है पॉलिटिकली, ये चीजें सब स्वीकार की जा सकती हैं। और जो भी इसको हटा के 370 को हटाने की प्रक्रिया के बारे में ज्यादा विवाद है या ज्यादा नरीमन साहब की जो व्यथा है या उनका जो क्रिटिसिज्म है वो उसके बारे में ज्यादा है कि एक तरफ तो 370 हटाने की बात थी कि किस तरह से आपने हटाया बिना असेंबली के और गवर्नर के माध्यम से, दूसरी तरफ आपने एक नजीर बनने दी कि पार्लियामेंट बिना गवर्नर रूल के दौरान जब स्टेट में उसकी अपनी असेंबली नहीं है आप किसी भी किस्म का निर्णय ले सकते हैं। चलिए ये भी मान लें कि स्टेट लेजिस्लेचर जब कोई अपनी राय देती है तो रिकमेंडेटरी होती है वगैरह, लेकिन जो सबसे मौजूद सवाल है वो ये है कि क्या भारत सरकार को पार्लियामेंट को ये अख्तियार है कि वो किसी स्टेट को डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बनाए। इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये शुरू शुरू में लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और अगर इस नजीर पे चलें जो कि नजीर 370 के जजमेंट से बनी, उसका अर्थ तो ये हुआ कि सिद्धांततः इन थ्योरी आप हर स्टेट में विभाजन करके उसके तमाम हिस्सों को यूनियन टेरिटरी या उस स्टेट को ही यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं। तो आप एक ऐसी परिकल्पना कर सकते हैं जब भारत में कोई राज्य ही ना हो, केवल यूनियन टेरिटरीज हो, तो भारत क्या यूनियन ऑफ स्टेट्स है कि नहीं है। मेरे ख्याल से नरीमन साहब भी इसी बिंदु पर का संकेत कर रहे थे कि केवल सॉलिसिटर जनरल ने कह दिया कि हम आगे जाकर इसको स्टेट बना देंगे, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन गवर्नमेंट कर ले और कह दे कि भाई हाँ ठीक है हम इसको भविष्य में 2 साल बाद 3 साल बाद ठीक कर देंगे, और ये बहस या ये तर्क सुप्रीम कोर्ट मान ले। सुप्रीम कोर्ट आखिर में एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट देना चाहिए बातचीत के आधार पर और गिव एंड टेक के आधार पर जजमेंट नहीं दिए जाते। ठीक कहा आपने। इसके बाद मेजर उन्होंने इशू उठाया गवर्नर्स का। हम जानते हैं कि लगभग इस समय सारे विपक्षी दलों की सरकारें सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई हैं अपने अपने गवर्नर के एक्ट कंडक्ट को लेके। हमारे जो राज्यसभा के सभापति महोदय हैं उनके बारे में जब वो बंगाल के गवर्नर थे तो रोज खबरें ही खबरें होती थी कि वो कितना प्रोएक्टिव एक नई पावर स्टेशन बना के काम कर रहे थे, और लगभग सभी राज्यों से ये मामला है। उन्होंने खासकर केरल का मामला लिया और केरल के मामले में ये हुआ कि वो 23 महीने 8 बिल को दबाए बैठे थे। इसके पहले के फैसलों में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि गवर्नर को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो इनडेफिनिट पीरियड तक किसी बिल पे बैठा रह जाए, उसे बिल में जो भी उसको फैसला करना है अगर उसे वापस करना है तो असेंबली को तुरंत वापस करे और फिर असेंबली अपना फैसला लेगी। राष्ट्रपति को भेजना है तो भी उसको तुरंत करना चाहिए, वो ये नहीं कर सकता कि इनडेफिनिट पीरियड बैठा रहे और उसको प्रैक्टिस में जो कहा जाए कि उस बिल का कोई मतलब ही नहीं रह जाए, जैसा कि उन मामलों में हुआ जो केरला के थे। 8 मामले थे, 8 को 23 महीने वो बैठे रहे। जब वो कोर्ट आए तो एक मामले को उन्होंने स्वीकार कर लिया और 7 मामले प्रेसिडेंट के यहाँ भेज दिए। तो उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट के पास इस तरह से रेफर करने का, एक बंडल रेफर करने का तो कभी कोई रेफरेंस मतलब रहा नहीं है, ये हो क्या रहा है? अब 7 वो मामले वहां से नो होके आ जाए तो खत्म। तो ये पूरी कवायद जो आधे उनके टर्न मतलब कार्यकाल में चली उस सरकार के, उस समय सिर्फ 2 ऑफिसों के बीच बिल रखे रह जाएंगे, जनता से संबंधित जो फैसले हैं उनका ये हाल होगा। जनता की चुनी हुई सरकार अगर नहीं ऐसा करा सकती तो फिर ये कैसे लोकतांत्रिक देश में ये सब चलेगा? ये सब मिला के क्यूमुलेटिव एक पिक्चर पेश कर रही है इस घटना के साथ। इस समय जो सरकार है वो केंद्र में लगभग उसने लोकतंत्र को
जो भी उसके नियम कायदे हैं, जिनमें बैनर तो लोकतंत्र का लगा है, लेकिन नीचे से उनकी प्राण निकाल लिए मतलब उसमें कोई जान नहीं है, हर चीज को उन्होंने डिफंक्ट कर दिया है, सब चीज लाके अपनी जेब में रख ली है, ये इस मामले में उनकी क्रिटिसिज्म से निकलता है। आप बताएं कुछ। ये जो जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं, भीतर से भीतराघात वाली बात, भीतराघात वर्ड ही होता है मेरे ख्याल से जी, वो केवल भारत की या हमारे केरल या इनकी समस्या नहीं है, विश्वव्यापी समस्या है कि लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र का इस्तेमाल करते हुए और कानून का इस्तेमाल करते हुए आप कानून को, लोकतंत्र को, आजादी को छीलते रहो, जिसे भीतर से आप खोखला करना आप कह रहे हैं, वो जिसे कुछ लोगों ने बड़े ही अच्छे शब्दों में रूल बाय लॉ और रूल ऑफ लॉ के में भेद करते हुए कहा है कि एक तो होता है रूल बाय लॉ कि भाई एक कानून है, आप कानून को अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करिए और उस अस्त्र को आप चलाइए जैसे आप चलाना चाहते हैं, जिसमें सत्ता के पक्ष में अस्त्र है और सत्ता के जो विपक्ष है या नागरिक है उसके वो खिलाफ। एक होता है रूल ऑफ लॉ, जिसमें आप कानून के जो बेसिक सिद्धांत होते हैं उसका पालन करते हैं कि भाई दूसरे व्यक्ति को पूरी आजादी होनी चाहिए कि वो अपनी बात कह सके, फेयरनेस होनी चाहिए वगैरह। तो जहां तक गवर्नर वाली बात है, तो अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें तो ये है कि भाई एक समय था जब सरकारें बड़ी, प्रदेश की सरकारें गवर्नर रूल एस्टैब्लिश हो जाता था, जो सरकार थी वो भंग कर दी जाती थी। एक जजमेंट, मुंबई के जजमेंट आने के बाद वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया और जो वर्तमान सरकार है वो कांग्रेसी जो सरकार होती थी उनके नक्शे कदम पे नहीं चलना चाहती, अपने आप को अलग दिखाती है कि हम तो कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं करते। तो अगर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं करना है और फिर भी प्रदेश सरकार को पंगू करना है तो क्या तरीका रह जाता है? अब जैसे हमने 2010 तक मैंने काम किया 30 साल तक, हम तो कभी गवर्नर से हमारा कोई लेना देना शासन का होता नहीं था, केवल औपचारिकताएं होती थी कि वो सेशन जब होता था तो वो उसको एड्रेस करते थे, कागज उनके पास हस्ताक्षर के लिए बिल वगैरह जाते थे, लेकिन व्यवस्थाएं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। लेकिन जब गवर्नर से अपेक्षा या वो एक पॉलिटिकल रोल अदा करना शुरू कर देता है तो जो जिस अस्त्र का इस्तेमाल किया गया है, ये अस्त्र तो जो निचली ब्यूरोक्रेसी होती है उसने बहुत पहले बड़े पैने से इस्तेमाल करते थे कि भाई किसी चीज को नष्ट करना हो तो डिले करते रहो, उसको निर्णय मत लो, फाइल को बस्ते खाते में डाल दो, तो फिर जो विवाद था वो भी गया, जो प्रश्न था वो भी गया और सब बट्टे खाते में एक तरह से सील बंद हो गए। ये सबसे अहम तरीका होता था किसी भी नौकरशाही के लिए, प्रशासन के पहियों पर बिल्कुल चाबी लगा दे। अब वो, लेकिन वो निचली नौकरशाही पे, एक क्लर्क के लेवल पे कहा जाता है कि भाई आप जाते हैं वहां फाइलें दबी रहती है, कोई आगे ही नहीं बढ़ती, लेकिन वही चीज अब गवर्नर उसको एक टेक्निक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है कि, और एक राज्य में नहीं कई राज्यों में दिखाई दे रहा है कि आपके पास एक कागज आया, आप उस पर निर्णय ले लेते हैं, आप उसको फाइल को रख देते हैं, आप 5 साल गुजार देते हैं तो एक सरकार बनी, 5 साल वो रही, वो एक भी बिल पास नहीं कर पाई, संभव है अगर गवर्नर साहब उस पर कोई, किसी एक्ट पे तो लिखा नहीं है कि कितने दिन आप बिल को रख सकते हैं। अब ऐसी हास्यास्पद या निराशाजनक स्थिति पैदा हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में केरल की सरकार गई है, बार बार जा रही है, आपकी तमिलनाडु की सरकार, इतना बड़ा प्रदेश है और इतना विकसित प्रदेश है, इतना अच्छा प्रदेश है, पंजाब की सरकार आई हुई थी, पंजाब की सरकार आई हुई, तो अधिकांश सरकारें उधर पूरी की पूरी वहीं पड़ी ही हुई है। दूसरी तरफ आप ऐसी स्थिति देख रहे हैं कि पुलिस और सीबीआई आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं, अभी हाल में ईडी के अधिकारी की गिरफ्तारी हुई
और वहां पे ये मांग है कि वो केस सीबीआई को सौंप दिया जाए। अदालत ने कहा नहीं, सौंपने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस ही तो प्रदेश और केंद्र लगभग टकराव की स्थिति में तमाम जगह हैं, और ये कोई संयोग तो नहीं है कि जहां ऐसा फायदा, इस मौके का फायदा लेके आपसे कुछ और चीजें पूछ लें जस्टिस के वक्तव्य से इतर। जो आईपीसी सीआरपीसी में चेंजेस की बात हो रही है जो कभी भी मतलब एक्ट वगैरह में बदले जा सकते हैं, उनमें जो मूलभूत परिवर्तन हो रहे हैं उनके बारे में आपकी टिप्पणी सामयिक होगी। इसमें शीतल जी ये हुआ है कि शुरू में ये एक्ट जिसमें शुरू में ये था कि भाई इसका नामकरण ही कैसे कर दिया भारत, तो ये हिंदी का नामकरण कर दिया, अंग्रेजी में भी हिंदी का नामकरण कर दिया, तो लोग को बोलने में ही उसका नाम, एक्ट का नाम लेने में ही मुसीबत हो जाएगी। वो अदालत में या जाएंगे, अगर मान लीजिए वो जाते हैं थाने में तमिलनाडु में, तो वो उस कानून का नाम ही नहीं ले पाएंगे क्योंकि उसका कोई उसमें तो नाम है नहीं तमिल भाषा में, उसका नाम तो हिंदी में है। तो ये शुरू में रहा, फिर लोगों ने चैन की सांस ली कि भाई ये सेलेक्ट कमेटी को या पार्लियामेंट की कमेटी को रेफर हो गए हैं। रिफर होने के बाद उनकी एक बड़ी ही ऐसी रिपोर्ट आई जो बहुत निराशाजनक थी। निराशाजनक तो लेकिन अपेक्षित थी क्योंकि बहुमत तो उसमें सत्ता की सरकार के लोगों का रहता है। फिर भी उसने भी कुछ गलतियां उसमें पॉइंट आउट की, वो इतने खराब तरह से ड्राफ्ट हुआ था। तो ये एक्ट वापस लिए गए लोकसभा से राज्यसभा से, तो लोगों ने सोचा कि शायद बाद में आएंगे, लेकिन वो दो दिन बाद फिर से आ गए, तो वो एक्ट अब बन जाएंगे। ऐसी स्थिति आ गई है कि तीन नए एक्ट आ जाएंगे। अब इन एक्ट में जो कहा गया है कि आमूल परिवर्तन करके और बिल्कुल व्यवस्था को बदल देंगे, ऐसा कुछ नजर नहीं आता। कुछ समेकन हुआ है वो तो होता ही, लेकिन उसमें कुछ तीन चार चीजें ऐसी आ गई हैं जो बड़ी न केवल निराशाजनक है बल्कि आपत्तिजनक भी है और खतरनाक भी है। जैसे एक चीज ये है कि अब एक तरह से अरेस्ट का जो अधिकार, पहले आप 15 दिन तक रिमांड लेके कर सकते थे, अब आप 60 दिन और 90 दिन तक पुलिस अरेस्ट में रख सकती है। तो 6 गुना 5 गुना पावर इस लिहाज से कि व्यक्ति बंद रहे और अदालती कार्यवाही शुरू ना हो पाए, ये एक बड़ा बदलाव हुआ। दूसरी चीज ये है कि ये बड़े जोर शोर से कहा गया कि जी राजद्रोह वाला पार्ट हमने खत्म कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट में एक केस भी चल रहा था, हमने हटा दिया है, सेडिशन कोई धारा नहीं रही। लेकिन उसकी जगह जो धारा आई है वो लगभग वही चीज कहती है, बल्कि कुछ लिहाज से उसको बढ़ा चढ़ा भी देती है, और वही एकता, अखंडता और प्रभुता, ये तीन जो नाम है जिनके आधार पर कोई भी गिरफ्तार हो जाता है, वो ऐसे ही उसमें शामिल है और केवल पुलिस के ऊपर निर्भर है कि वो कैसे उनकी व्याख्या करे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं। आपने कुछ कह दिया, वो देश की अखंडता, प्रभुता या के लिए के लिए खतरनाक साबित हो गया और आप उस धारा के अंतर्गत अरेस्ट हो गए। तो एक तरह से राजद्रोह दूसरे तरीके से बरकरार है। तीसरी जो चीज उसमें है जो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से चिंता का विषय है, वो ये है कि हमारा एक कानून है यूएपीए, जिसमें आप आतंकी गतिविधियां या जो बहुत ही खतरनाक किस्म की गतिविधियां होती हैं जिससे शासन को या देश को खतरा उत्पन्न होता है, उसके लिए आपने एक विशिष्ट एक्ट बनाया है। जब विशिष्ट एक्ट बनता है तो उसके प्रोसीजर भी विशिष्ट होते हैं, उसमें कुछ पुलिस को केयरफुली काम करने की जरूरत होती है, उसमें कुछ जिसे कहते हैं प्रोसीजरल सेफगार्ड्स होते हैं कि भाई आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। अब स्थिति हो गई है कि जो ऑफेंस यूएपीए में है वही ऑफेंस आपके जो जिसे पहले हम आईपीसी कहते थे या भारतीय आईपीसी कहेंगे या जो भी उसका नाम है, उसमें आ गए हैं। तो एक तरह से दो एक्ट हैं, दो कानून हैं जिसमें एक ही किस्म के
अपराध, कथित अपराध पर आप मुकदमा चला सकते हैं। मतलब पुलिस को ये पावर है कि वो आपको अर्लियर आईपीसी का जो अब संस्करण आ रहा है उसमें केस दायर करे या यूएपीए में केस दायर करे। और अगर आप ये भारतीय पीनल कोड में केस दायर करते हैं तो बहुत आसानी रहती है, क्योंकि वो प्रोसीजरल सेफगार्ड्स वहां काम तो करते नहीं है, और आपके पास ये पावर पूरी तरह से पुलिस के पास है। इससे ये अपेक्षा जो कानून के जो ज्ञाता है वो ये कह रहे हैं कि इससे पुलिस की पावर अथाह बढ़ जाएगी और लोगों को तंग करना। कहना ये है कि अब वो किसी को भी पुलिस जब चाहे तब जी ये तीन मामलों में एक कागज का फर्रा बनाए और अंदर कर दे और 60 दिन 90 दिन रिमांड पे रखे रहे। और यूएपीए यूएपीए किस्म के जो कथित अपराध होते हैं उसमें इन धाराओं में ही आपको काम यूएपीए के जरिए जो किया जाता था, जो एक स्पेशल कानून था, उसको अब नॉर्मल कानून में डाल दिया और पुलिस को एम्पावर कर दिया कि अब तो किसी भी आदमी को वो अगर ये समझेंगे कि ये सरकार को या सरकार चाहेगी कि फला आदमी को बंद कर दो, अब आपके पास चॉइस है कि आप दोनों कानून में एक्शन ले लो, एक में इस वाले में ले लो या उस वाले में, तो तीन चॉइस दे दिए उन्होंने पुलिस। मतलब अब पुलिस के लिए चॉइसेस बढ़ गई हैं, जनता के लिए चॉइसेस खत्म हो गई। ये अपने आप में अप्रत्याशित है, मतलब इसका कोई लॉजिक तर्क समझ में नहीं आता, कम से कम मुझे तो समझ में नहीं आता। मतलब कुल मिला के जो परिदृश्य है, जैसा ये सरकार बनते समय कुछ ही दिन बाद चार जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, एक चेतावनी दी थी, अब जब विभिन्न जस्टिसेज जो रिटायर हो गए हैं, विभिन्न कार्यक्रमों में उसकी सरकार के किए जा रहे कृत्य और सुप्रीम कोर्ट में की जा रही संवैधानिक व्याख्याओं से निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो हमें लगता है कि जो लोकतांत्रिक हमारा देश है वो ऐसे अलोकतांत्रिक फैसलों के बीच फंस गया है जिसमें लोकतंत्र झंडे पे तो रहेगा, अमल में एकदम तानाशाही रहेगी, और पता नहीं लोग अपनी जो कठिनाइयां हैं उन सबको व्यक्त करने के लिए या अपने लिए न्याय मांगने के लिए या मनुष्य होने के नाते जो उनको एक स्वतंत्रता आज़ादी जो उनका नैसर्गिक अधिकार है उसके लिए अब कितने अभिशप्त होंगे आने वाले दिनों में, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो फिर आपसे बातचीत करेंगे, अच्छा रहा आपने विश्लेषित किया इसको और डिकोड किया काफी चीजों को, थैंक यू, नमस्कार। विरोधाभास विरोधाभास की दुनिया कायम होती जा रही है। ठीक ठीक, नमस्कार नमस्कार।